कुनर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की कछुआ गति से जारी नामांकन प्रक्रिया के दौरान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रफातुल्ला उर्फ नेता छिद्दा द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र बुधवार को पार्टी नेताओं, प्रस्तावकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर ACM फर्स्ट संतराम पवार को पेश किया। नामांकन पत्र पेश करने के बाद बसपा प्रत्याशी पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बहन जी ने उनके ऊपर पांचवी बार विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी उनके मुद्दों में शामिल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि कुनरकी विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। यहाँ बड़े पैमाने पर विकास की आवश्यकता है। क्षेत्रीय जनता ने उन्हें मौका दिया तो बड़े पैमाने पर विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है और वो कई वर्षों से सामाजिक कार्य अंजाम दे रहे हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, आपके द्वारा ये नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, किस पार्टी से है, किस क्षेत्र के लिए? मैं रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा हूँ, बहुजन समाज पार्टी से नामिनेशन कराया है। बहन जी का पांचवी बार आशीर्वाद मुझ पे हुआ कुंदरकी से। सबसे पहले बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद कुंदरकी वासियों का भी अपील की दरख्वास्त के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी के लिए भी चुनाव में खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा और वहाँ की जनता का अगर सहयोग मिला जिस लायक भी तो उसमें भी खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरना चाहते हैं? मुद्दे चुनाव में सबके विकास के ही होते हैं, मेरा भी विकास का ही रहेगा। और पिछड़ा वर्ग, सबसे SC वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सबको बहुजन समाज लेके चलना चाहती है, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखती है, इसी मुद्दे को लेकर चलेंगे हम। कोई धार्मिक नेता तो है नहीं कि हम कोई धार्मिक का सवाल या कुछ करें आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जनता के जिस लाख बनूँगा काम ना हूँ। अच्छा, कुंदर की विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुंदर की विधानसभा की समस्याएं क्या क्या है वहाँ? वहाँ की समस्या तो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया तो वही है, शहर से सटा हुआ, कमिश्नरी से सटा हुआ और सबसे पिछड़ा हुआ। आप गए उस याद में तो निकला परसों भी, और MP के चुनाव में बहुत रामपुर की जो तड़ती है ना, सब पूरी बस जा नहीं सकते, गाड़ी तो रास्ते में टूट जाएगी। किससे मान रहे हैं अपना कंपटीशन, किससे है आपका? अभी कोई है ही ना कंपटीशन, जब होगा पहले क्यों पूछ रहे हो, बाद में पूछ लियो, अभी तो हम ही हम है। अच्छा, और पार्टी से भी कैंडिडेट होंगे डिक्लेयर? जब होंगे तब देखा जाएगा, कोई भी हो हम किसी से कमजोर ना, बसपा तो सबसे ताकतवर पार्टी है, आप क्यों परेशान है? क्षेत्रीय मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अरे उनसे अपील यही करूंगा साहब, मुझ गरीब का सहयोग करें, मैं एक किसान आदमी हूँ, सबके जैसा हूँ, जैसे वोटर है ऐसे ही हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कहीं पकड़ना पड़ेगा जैसे आप पकड़ लिया अभी आपने, ऐसी सब पकड़। आपके तो नाम में भी नेता छिद्दा लिखा है। हाँ वो तो मोहब्बत में, वो मोहब्बत में, मैं एक किसान आदमी हूँ, किसान ही रहूँ। इस संबंध में जब वरिष्ठ बसपा नेता पूर्व सांसद गिरीश चंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जितने विकास कार्य प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान बहन कुमारी मायावती द्वारा कराए गए हैं, आज तक किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं किए। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से बसपा प्रत्याशी का भरपूर समर्थन करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रत्याशी द्वारा नामांकन कराया गया है, क्या प्रयास रहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद लेकर आज रफतुल्ला और नेता चिंतनजय कुंदरकी ने विधानसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, और इस भरोसे के साथ किया है कि निश्चित तौर पर कुंदर को हम जीतने का काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के रहते हुए तो चार बार की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, सर्वजन शिकाय सर्वजन हिताय के आधार पर हमारी सरकार ने काम करने का काम किया, और चाहे बेरोजगार हो, युवा हो, किसान हो, आदरणीय बहन जी ने सबके अधिकारों को हक दिलाने का काम आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है। पूरे प्रदेश में एक भी झगड़ा, चार बार की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में रही, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भी झगड़ा हमारी सरकार में नहीं हुआ। हम सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लोगों को बांट करके राजनीति करना नहीं चाहते। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप एक बात? आज कुंदरकी की हालत आप देख रहे हैं, तो कोसी नदी में बाढ़ आती है, पूरा कुंदरकी विधानसभा पूरी बहने का काम होता है, उसे रुकवाने का पूरा हमारा प्रत्याशी को कुंदरकी की जनता ने वोट देकर MLA बनाया, तो पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, चिकित्सा और क्षेत्र के विकास के लिए। जो हमारी नदी जा रही है हमारी, उसका बांध बनाने का काम हमारे होने वाले भावी विधायक करने का काम करें। क्या अपील करना चाहेंगे? पूरे कुंदरकी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आदरणीय बहन जी की सरकार को देखते हुए सर्व समाज का आदरणीय बहन जी ने सहयोग करने का काम किया अपनी सरकार में, उनकी नीति से प्रभावित होकर
सर समाज से अपील करना चाहता हूँ कुंदरकी की जनता से, इस बार सब लोग हाथी वाले खाने के सामने बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के इतने मजबूत कार्यकर्ता को जो बहुजन समाज पार्टी का पिलर है उनको वोट देकर वहाँ से MLA बनाकर आज अपने बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। इस दौरान बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर रणल विजय सिंह, एडवोकेट जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश, सुनील पाल, मोहम्मद इरशाद सैफी, अकील चौधरी, गोहर अली, करण सिंह, राम सिंह एवं महिपाल सिंह सहित दर्जनों बसपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आपको याद दिला दें कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर जियाउर रहमान वर्ग द्वारा संभल संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के उपरांत कुंदरकी सीट को खाली करना पड़ा था, लिहाजा सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिसकी नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो गई। लेकिन नामांकन का खाता आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू के नामांकन पत्र दाखिल करके मंगलवार को किया गया। बुधवार को भी निर्धारित समय 3 बजे तक मात्र एक नामांकन पत्र बसपा प्रत्याशी के रूप में दाखिल हुआ और इस 18 अक्टूबर से जारी नामांकन प्रक्रिया में अब तक मात्र 2 ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस कारण नामांकन प्रक्रिया कछुआ गति से चल रही है। टिकट की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और सपा कांग्रेस गठबंधन ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, इसी कारण नामांकन रफ्तार भी नहीं बढ़ी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 अक्टूबर को नाम वापसी। शेष प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती। कलेक्ट्रेट में कई सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी नामांकन प्रक्रिया के दौरान भले ही नामांकन ने रफ्तार नहीं पकड़ी हो, लेकिन नामांकन पत्रों की खरीदारी लगातार जारी है। अब तक लगभग 50 दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं, किंतु नामांकन 2 ही प्रत्याशियों द्वारा भरे गए हैं। माना जा रहा है कि अंतिम 2 दिन 24 और 25 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया एकाएक रफ्तार पकड़ेगी।